अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर की हम बात करने जा रहे हैं वो है कन्वेंशनल सुपर मार्किट कन्वेंशनल सुपर मार्किट इन जनरल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें अगर मैं इसको इलेबरेट करूं, तो एक्चुअली ये वो सुपर मार्किट है जो कि फूड प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद जो मेन चीज़ जो उसको डिफाइन करती है एक्चुअली इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस द कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ इट सो कन्वेंशनल सुपर मार्केट डिपार्टमेंटलाइज फूड स्टोर जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर फूड आइटम्स एंड देर आर समरीज आर कंसिड एज द जनरल मर्चेंटाइज इस तरह के स्टोर नॉर्मली तमाम फूड प्रोडक्ट्स को क्योंकि कैटर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेश प्रोडक्ट्स लेट्स ए यू विल फाइंड इन सर्च सुपर मार्केट इस तरह की जो कन्वेंशनल सुपर मार्केट्स के अंदर यू विल है फ्रेश कॉर्नर which means they will be selling fresh fruits and vegetable as a separate department meat as a department fruits and vegetable as a department you will find fish as a separate department you will find bakery as a separate department and then because these are all fresh products एंड देन ऑन दी अदर साइड ऑल्सो दे विल भी सेलिंग सम ड्राई प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑल्सो अगेन इन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिस तरीके से ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट इस तरीके से टॉयलेटरीज का डिपार्टमेंट डिटर्जेंट्स का डिपार्टमेंट स्वीट्स का डिपार्टमेंट कन्फेक्शनरी का डिपार्टमेंट एंड इसी तरीके से टोबैको का डिपार्टमेंट बेवरेज का डिपार्टमेंट सो अगेन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक नॉर्मली कन्वेंशनल सुपर सेल कर रही होती है वन ऑफ़ द क्राइटेरियाज जो कि मेजोरिटी ऑफ़ द डेफिशन के अंदर नज़र आता है वो यू विल फाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन जो कि इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रही है विच इज़ द सेल्स रेवेन्यू क्राइटेरिया के अगर एक कन्वेंशनल सुपर मार्केट टू मिलियन डॉलर के सेल्स रेवेन्यू को अचीव करती है मिनिमम इसका मतलब यह है कि वो कन्वेशनल सुपर मार्किट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है नॉर्मली वॉलीम जिससे हम सेल्स रेवेन्यू की बात करें इज वन ऑफ द क्राइटेरिया एरिया सेल्स एरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइट जो कि आपको यहां पर नजर आएगा नॉर्मली इस तरह के स्टोर जब हम बात करते हैं तो 30,000 हजार स्क्वेयर फिट विच थर्टी थाउजेंड स्क्र फिट तक के एग्जिस्ट करते हैं यानी कि कन्वेंशनल सुपर मार्केट्स अप टू थर्टी थाउजेंड स्क्र फीट के ऊपर प्लस माइनस सम थाउजेंड स्क्र फिट एग्जिस्ट करती हैं और अगेन ये वो सुपर मार्केट्स हैं जो कि मेजरली फोकस्ड है फूड प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर हाउ कुछ शेयर जनरल कैटेगरीज के अंदर भी एग्जिस्ट करता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बिजनेस टर्न ओवर बिजनेस रेवेन्यू हैज टू बी मिनिमम टू मिलियन डॉलर से लेकर अप टिल एट मिलियन डॉलर तक नॉर्मली मैक्सिमम की कैप एग्जिस्ट नहीं करती मेजोरिटी ऑफ द डेफिनेशन के अंदर इस मॉडल को इस समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जो कि कन्वेंशनल सुपरमार्केट को एक्सप्लेन करेंगे मैंने एग्जाम्पल से पहले जो बात बताई आपको उसको जल्दी से समराइज करने लगा सबसे पहले कन्वेंशनल सुपर मार्केट बेसिकली डील करती है मेजोरिटी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर प्लस सम पार्ट ऑफ जनरल मर्चेंडाइज दूसरी बात सेल्स रेवेन्यू के हवाले से डिस्कशन है कि इट हैज़ टू हैव मिनिमम टू मिलियन डॉलर सेल्स रेवेन्यू तीसरी बात इज रिलेटेड टू दिस सेल्स एरिया कि इट हैज टू हैव अप टू थर्टी थाउजेंड स्क्र फीट सेल्स एरिया इट कैन बी लेस देन दिस बट नॉर्मलीस टू हैव थर्टी थाउजेंड स्क्ट तो ये तीन बातें एक कन्वेंशनल सुपर मार्केट को डिफाइन करती है इसी तरीके से लेट मी है आपको कुछ कैटेगरी नजर आएंगी जैसा मैंने बताया फूड कैटेगरीज के अंदर तो तमाम फूड फ्रेश ड्राई प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है वो इसके अंदर शामिल होंगी यहाँ पर हमारे पास अक्सर आपको नजर आएगा एग्जांपल्स के अंदर कुछ कैटेगरीज ऐसी भी कि जो कि नॉर्मली इन जनरल मार्केट के अंदर वो ड्राई कैटेगरीज कहला रही होती है जिस तरह से मैंने टॉयलेटरीज की बात की टॉयलेटरीज इज़ नॉट जनरली कंसिडर्ड एज द फूड प्रोडक्ट कैटेगरी लेकिन जब हम रिटेल परस्पेक्टिव के अंदर बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड टू द बेसिक डेली नीड्स ऑफ द कस्टमर जनरल मर्चेंडाइज के क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करती है बट लेकिन कंसिडर्ड एज टू बी द डिपार्टमेंट ऑफ़ फूड इन मेजोरिटी ऑफ द रिटेल आउटलेट्स हमारे सामने इस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं सबसे पहले पब्लिक्स एग्जाम्पल है इंटरनेशनली वन ऑफ द मे वन ऑफ द बिग वन वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सुपर मार्केट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिलायंस फ्रेश इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स जो कि कन्वेंशनल सुपर मार्केट की है देन वी हैव फूड मैक्स अगेन वन ऑफ द बिग सुपर मार्किट्स जो कि कन्वेंशनल सुपर मार्किट के तौर पर ऑपरेट कर रही है इंटरनेशनली होल फूड्स की एग्जाम्पल हमारे पास है होल फूड्स मार्केट की सेफ वे इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स जो कि अगेन पाकिस्तान के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मली पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट के अंदर यू विल फाइंड लेस कन्वे मार्किट्स लेकिन इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपको कन्वेंशन सुपर मार्केट्स की एग्जाम्पल नजर आएंगी क्योंकि पाकिस्तान में रिटेल अभी तेजी के साथ ग्रो करना शुरू हुआ है और ज़्यादातर फोकस्ड है टू ऑनलाइन रिटेलिंग और टू दी एप रिटेलिंग इस तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट्स के अंदर जो ये वाली एग्जाम्पल्स है कन्वेंशनल सुपर मार्किट्स की ये बहुत कम है स्टिल हमारे पास यू विल फाइंड सम ऑफ़ द एग्जाम्पल्स और वो एग्ज़ाम्पल्स कौन सी हैं अगर हम बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ तो वो ये वो एग्ज़ाम्पल हैं कि जो कि आपको सी एच डी की शक्ल में कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी क्योंकि कुछ ऑफ़ दिस कुछ सुपर मार्किट्स सी की ऑपरेट करती हैं एज कन्वेंशनल सुपर स्पेशली वो तमाम सुपर मार्किट जो कि से इस्लामाबाद के say, के अंदर इन्होंने स्पेशली न्यू कंस्ट्रक्टेड की हैं ये वो स्टोर्स हैं जो वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर